Sponsored by Shri Ketan, desiccated coconut super powder. तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद जुबली हिल्स रोड नंबर 12 में विश्व स्तरीय अमेरिका इजराइल की तर्ज पर पुलिस का एकीकृत कमांड सेंटर का उद्घाटन किया। होम मिनिस्टर महमूद अली भी साथ में थे। डीजीपी महेंद्र रेड्डी, पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद, मेयर गढ़वाल लक्ष्मी, एमपी मल्ला रेड्डी, विधायक सनम नागेंद्र, दामोदर नरीमह, विधायक गणेश गुप्ता मौजूद थे। राज्य में किसी आपदा संकट से निपटने के लिए राज्य पुलिस के नए एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर 600 करोड़ रुपए की लागत से बना है। इस सेंटर में हेलीपैड, आपदा प्रबंधन केंद्र, डाटा सेंटर, निगरानी कैमरे, 5 टावर्स में अत्याधुनिक सुविधा से लैस 6.42 लाख वर्ग फुट में ये टावर फैला है। इसमें 480 सीटों का सभागार, 604 पहिया वाहनों और 350 दोपहिया वाहनों की पार्किंग के लिए खास व्यवस्था की गई है। इस 20 मंजिला टावर में हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट के सभी कार्य क्षेत्रों के काम होंगे। 18वीं मंजिल में पुलिस आयुक्त का कार्यालय, टावर बी में 15 मंजिल में डायल 100 आपातकालीन, बच्चों और महिला सुरक्षा, साइबर अपराध, नारकोटिक सेल, अपराध का पता लगाने के साथ से संबंधित सभी बैकअप केंद्र स्थापित होंगे। सोशल मीडिया पर नजर के लिए अलग विंग, तेलंगाना के सभी जिले के 9,25,000 सीसीटीवी कैमरा इसमें जुड़ेंगे। 1,00,000 सीसीटीवी एक साथ नजर रख पाएंगे। ये विश्व स्तरीय पुलिस कमांड सेंटर है, भारत में पहला है इसकी पुलिस कमांड सेंटर है भारत में ये पहला है जिसकी भूमि पूजा 2015 में की गई थी केसीआर ने तेलंगाना में। तेलंगाना, नव भारत समाचार से जुगल किशोर पांडे की रिपोर्ट।